चैप्टर 8 पार्ट ई नंबर 2 लायबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ प्रेमिसेस रेंटेड टू अदर्स। सो बेसिकली कंडीशन ऑफ प्रेमिसेस, सो बिल्डिंग की कंडीशन की है, सो यू आर सपोज टू टेल योर रेंट, राइट। लीगल ड्यूटी ओड, लैंडलॉर्ड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट प्रेमिसेस आर फिट फॉर पर्पस रेंटेड बाई टेनेंट एक्सेप्ट व्हेन लैंडलॉर्ड वारंट फिटनेस फॉर सच पर्पस और लैंडलॉर्ड कंसील्ड एडवर्स कंडीशंस। लैंडलॉर्ड जिम्मेदार नहीं है ये यकीनी बनाने लिए जो प्रेमिसेस आर फिट फॉर पर्पस रेंटेड बाई टेनेंट। जो टेनेंट ने अगू रेंट की, राइट, सिर्फ किनू छड़ गए, एक्सेप्ट हालड एक्सेप्ट, राइट। वैन लैंडलॉर्ड वारंट फिटनेस फॉर सच परपज और लैंडलॉर्ड कंसील, जो लैंडलॉर्ड कंसील होता छुपाना, जो छुपा लेंदा कंडीशन, बिल्डिंग की कंडीशन खराब आ पर दसदा नहीं शुरू च, राइट। लैंडलॉर्ड लाइबल वैन रेंटिंग फर्निश्ड प्रेमिस, फर्निश्ड जो पूरा फर्निश्ड, राइट, टू टेनेंट और लैंडलॉर्ड हैज एग्रीड टू मेनटेन प्रेमिस, वो सहमत हो गया कि वो मेनटेन करूंगा लीज, राइट, जो एग्रीड हो गया या फर्निश्ड का, फर्निश्ड का सारा कुछ पहले लगे लगाया समान सारा लगे, राइट। एंड फेल टू डू सो विद इन रीजनेबल टाइम, तो रीजनेबल टाइम के ना कर सके आफ्टर नोटिस ऑफ एडवर्स कंडीशन वाज गिवन, जो दसिया गया भी आह चीज़ा खराब है नहीं कराइया। मल्टीपल टेनेंसी बिल्डिंग्स, लैंडलॉर्ड लाइबल फॉर द कंडीशन ऑफ कॉमन एरिया, फॉर एग्जाम्पल लॉबी हॉलवे स्टेयरवॉल पार्किंग, राइट, वो मल्टी जिम्मेदार होंगे, ठीक है। नैक्सट लाइबिलिटी ऑफ टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, टेनेंट की लैंडलॉर्ड प्रति की जिम्मेदारी है। लीगल ड्यूटी ओड इन टोर्ट लॉ इन सिविल रॉन्ग, टेनेंट इज लाइबल फॉर डैमेज टू प्रेमिसेस, वो जिम्मेदार है, लाइबल मीन जिम्मेदार, कॉज बाय नेगलीजेंस, जो लापरवाही करता है इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो उन्हें लिखे, राइट। लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय टेनेंट इज एस्टैबलिश्ड इन रेंटल लीज एग्रीमेंट, वो जिम्मेदारी कितने लगा वो लीज एग्रीमेंट। सो बेसिकली टेनेंट जिम्मेदार। नैक्सट लाइबिलिटी ऑफ बेली फॉर हायर, बेली फॉर हायर बिफोर, राइट। बेली फॉर हायर मीन्स वन हु हैज टेम्पररी कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर्स फॉर ए पर्पज अदर देन सेल्स एंड हु इज कंपनसेंट फॉर द सर्विस। लीगल ड्यूटी ओड इन टोट लॉ, बेली रिक्वायर टू एक्सरसाइज मीन यूज ऑर्डिनरी केयर, सो ऑर्डिनरी उन्हें केयर करनी पैनी। बेली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होएगा वैन ड्यूटी ब्रीच बिकॉज ऑफ नेगलीजेंस, नेगलीजेंस मीन लापरवाही, केयरलेसनेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाई बेली अंडर ए सैपरेट एग्रीमेंट, बेली मीन हूँ तुम अपनी गड्डी ठीक कर दी है ऑटो मकैनिक शॉप से, राइट, तो वो जिम्मेदारी है तुम्हारी गड्डी को प्रोटेक्ट करना, अपने कपड़े देते हैं दर्जी, राइट, तो वो जिम्मेदारी, राइट। नैक्सट एम्पलॉयर लाइबिलिटी फॉर एम्पलॉयर, थोड़े काम वाले की जिम्मेदारी अपने कर्मचारियों प्रति बेसिकली। लीगल ड्यूटी ओड एम्पलॉयर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉट ऑफ एम्प्लॉय, टॉट मीन सिविल रॉन्ग, इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज रेफर टू एज वैकेरियस हायर्ड बाय कैरियर्स, वैकेरियस का मतलब होता है इनडायरेक्टली जिम्मेदारी, लीगली जिम्मेदार। बेसिकली जो तुम बर्गर किंग काम करते हो तो बर्गर गलत देता तो जो बर्गर किंग के मालिक ने वो इनडायरेक्टली की वाइकेरियसली वो जिम्मेदार ने, सू किया तो उन्होंने सू करे, राइट। नोट लाइबल फॉर इंजरीज और डैमेज टू अदर, वो जिम्मेदार नहीं है, राइट। वैन एम्पलाइज डेलीगेट एनी ऑफ द ड्यूटीज टू अनदर विदाउट एम्पलायर कंसेंट, अथॉरिटी टू डेलीगेट रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरवाइजरी पर्सोनल, एम्पलाइज आर ऑन ए फ्रोलिक ऑफ देयर ओन, फ्रोलिक मीन्स अनऑथोराइज टाइम अवे, अनऑथोराइज टाइम ने जिंद इजाजत नहीं दी फ्रॉम देयर ड्यूटीज क्रिएटिंग देयर ओन इकोनॉमिक बेनीफिट, अनऑथोराइज यूज ऑफ एम्पलायर प्रॉपर्टी बाय एम्पलाइज,
इहदा मतलब आ फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ कुरियर का काम करता रहा हूँ, मैं की करता कुरियर डिलीवरी, कुरियर की बजाय मैं रिश्तेदार ढूंढ ला पा उस टाइम कोई नुकसान हो गया वो नहीं कवर्ड, यू अंडरस्टैंड राइट। मैं पार्टी हाल अच्छा रेंट करना वा मालक लिए, तो मैं अच्छा रेंट करने की बजाय अपने फ्रेंड ने पार्टी कर ला पा, समथिंग गोज रोंग नॉट कवर्ड राइट। सो अनऑथोराइज मीन जी तुम इजाजत इंपलाई ने इंपलायर ने नहीं दी, लागे सम दैट इट मीनस। सो फ्रोलिक ऑफ द रोन की होंगे मीनस अनऑथोराइज टाइम अवे जी तुम जो तुम उन्हें मैंने ऑथोराइजेशन नहीं दी राइट। ठीक है नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंजरीज टू एम्प्लॉयज, जी एम्प्लॉयज इंजर्ड हो गया तो की जिम्मेदारी लीगल ड्यूटी हो लीगली दे ओ दी ड्यूटी फॉर मोस्ट ऑक्यूपेशन एस्टैबलिश्ड इन स्टैचू मीन स्टैचू में अंडर लॉ राइट अंडर वर्कर कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड कंपनसेशन ऑन ए नो फॉल्ट बेसिस means employee not required to prove negligence. If worker compensation does not respond to pay, employee retain right to legal action. ਹੁਣ WCB ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, WCB ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ ਰਹੀ ਜੋਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ WCB ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕਨ ਸੂ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ ਓਡ ऑक्यूपायर द प्रॉपर्टी जनरली नॉट लायबल फॉर नेगलीजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर, सो हाइलाइट नॉट लायबल लायबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली कोई जिम्मेदार नहीं मिला, एक्सेप्ट ऑक्यूपायर शेयर द लायबिलिटी छड के जो ऑक्यूपायर शेयर कर दे लायबिलिटी वैन वर्क कंट्रैक्टेड इज इनहेरेंटली डेंजरस, जो कोई काम ऐसा वा जरा बहुत ज़्यादा खतरनाक, इनहेरेंटली मीन बहुत खतरनाक, और कंट्रैक्टर यूजेस डिफेक्टिव मटीरियल, जब कंट्रैक्टर कोई मटीरियल डिफेक्टिव आ जरा नुक्स जिस इक्विपमेंट सप्लाइड हूँ क्रेन तो यूज करते पर क्रेन ही खराब है, क्रेन थल डेग पाई राइट। और ऑक्यूपायर कंट्रोल सुपरवाइजर द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट, हूँ जरा जरा ऑक्यूपायर है जरा उन्होंने कंट्रोल करता वा वो सुपरवाइज करता पाया इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर में, लागे सम तो उदे च वो जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट जॉइंट लाइबिलिटी, सेवन इज जॉइंट लाइबिलिटी मीन्स टू और मोर पार्टीज एक्टिंग नेगलिजेंटली टूगैदर कॉजिंग इंजरी और डैमेज टू अदर, दो या दो तो ज़्यादा पार्टियां जो तो इकट्ठे लापरवाही ने दूजे नुकसान कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट शेयर्ड इक्वली बाय पार्टी, वैन इक्वल लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड ला होल्ड ईच पार्टी फुली रिस्पोंसिबल, जॉइंट के दोनों पार्टियों जरा कानून 100% रिस्पोंसिबल मानता है, लागे सम जी दो 50-50% पार्टनर हो तुम किसी ने शुरू करता, ईच परसन इज लाइबल 100%, ईच परसन इज लाइबल 100%। सो लाइबिलिटी फॉर एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल लीगल ड्यूटी ओड ओनर इज लीगली लाइबल फॉर द फर्स्ट बाइट, पहला पहले चक तो शुरू हो जाता है फर्स्ट बाइट राइट। वाइल्ड एनिमल जे वाइल्ड जंगली जानवर ने जे पहले घरेलू सन, ओनर हु कीप्स अ वाइल्ड एनिमल इज हेल्ड स्ट्रिक्टली लाइबल, बहुत स्ट्रिक्टली लाइबल हो ठीक है, पहला पहले बैठ तो